नमस्कार, मैं आराम सदन जरा देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि CAA लागू कर दी गई है देश भर में, इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतिक्रिया भी आया है। ममता बनर्जी का कहना है कि हम किसी भी सूरत में किसी का भी हम डेटा नहीं दे पाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली NCR की जीवन आसान होगी, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है। मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की है ममता बनर्जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये CAA लागू नहीं हो सकता है किसी भी सूरत में। CAA पर कांग्रेस नेता जयराम ने भी एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव के चलते किया गया है ये, यानी मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी की बताई जा रही है। जयराम ने चुनाव में ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जो कि कांग्रेस नेता है जयराम। और उन्होंने नागरिकता संशोधन को लेकर कई तरह की बातें कही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है CAA की सूचना जारी कर दी गई है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस पर ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो शुरू से ही CAA का विरोध करती रही है। तो जब अधिसूचना जारी की गई तो इसके ऊपर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें कोई किसी भी सूरत में CAA मंजूर नहीं है। हम किसी भी जो भी हमारे शरणार्थी आए हैं, जो भी हैं हमारे प्रदेश में, हम उसका डेटा नहीं दे पाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और हम ये भी आपको बता दें कि गैर मुस्लिम शरणार्थी को नागरिकता जो है वो नहीं दी जाएगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। ये एक जो पहले से ही CAA था उसमें जो पहले दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें साफ तौर पर दिया गया था 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। जैन ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और नागरिकता की पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी, ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री मोदी का। और आज जो है वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, ये एक बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू हो चुका है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई, CAA की अधिसूचना जारी कर दी गई है। लेकिन इस पर सबसे बड़ी दिलचस्प की बात है कि सबसे पहले कांग्रेस ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में यह लागू नहीं होगी, CAA उनका साफ तौर पर कहना है। और अफगानिस्तान के शरणार्थी को भी लाभ मिलेगा इससे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान के शरणार्थी को लाभ मिलेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के शरणार्थी को भी लाभ मिलेगा। और जो पहले दी गई थी उसी तरह गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भी नागरिकता संशोधन का जो है उसका लाभ मिलेगा। 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता जो CAA लागू किया गया उसमें उनको लाभ मिलेगी। हिंदू सिख बौद्ध पारसी को भी नागरिकता संशोधन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का लाभ मिलेगा। जैन ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन का लाभ मिलेगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है, लेकिन ठीक 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक प्रधानमंत्री मोदी का एक नया मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है इसे, क्योंकि कुछ दिन के बाद आचार संहिता लागू होना है। ऐसे में कहीं पे भी भगदड़ ना मचे या इस तरीके के, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाई गई है, शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार द्वारा शाहीन बाग और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। CAA की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी जिलों के SP SSP के गश्त करने की निर्देश दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू हो चुका है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और CAA की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जारी कर दी है अधिसूचना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और ममता बनर्जी का प्रतिक्रिया आया, ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कि हम किसी भी शरणार्थियों का नहीं दे पाएंगे डेटा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अफगानिस्तान के शरणार्थियों को लाभ मिलेगा और बांग्लादेश के और पाकिस्तान के भी शरणार्थियों को लाभ मिलेगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ममता बनर्जी का प्रतिक्रिया, ममता बनर्जी शुरू से ही जब CAA का जब ये आर्किटेक्चर जब चल रहा था उसी समय से ममता बनर्जी ने विरोध करती आई है। लेकिन उन्होंने आज जब CAA की अधिसूचना जारी की गई तो ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना था कि हम किसी भी सूरत में अपने पश्चिम बंगाल में किसी भी सूरत में CAA लागू नहीं होगा। लेकिन जयराम है जो कि कांग्रेस के नेता है, उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो है मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री मोदी के। ठीक चुनाव से पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है, ऐसे में किसी भी वक्त चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर सकती है। 15 तारीख की अधिसूचना जारी कर दी गई है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है देश में CAA लागू हो गई, पारसी सिख बौद्ध को भी नागरिकता जो संशोधन है इसमें लाभ मिलेगा, ईसाई शरणार्थी को भी लाभ मिलेगा, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुस्लिम को इसमें लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और ये भी हम आपको स्पष्ट कर दें कि 3 देश के 6 धर्म के लोगों को नागरिकता मिलेगा, जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने CAA का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, गृह मंत्रालय के द्वारा से यह अधिसूचना जारी की गई, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ममता बनर्जी ने इसके ऊपर विरोध कर दी है, कांग्रेस की तरफ से भी इसका विरोध किया गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं वो खुशी मना रहे हैं, CAA
से भारतीयों को नागरिकता नहीं जाएगी, ये भी एक स्पष्ट कर दी है। एक अधिसूचना जारी की गई है, मतलब कि ट्विटर माध्यम से होम मिनिस्ट्री जो है वहाँ पर जारी की गई अधिसूचना। पारसी सिख ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता के लाभ मिलेगी। तीन देशों को जो अधिसूचना है वो तीन देश के शरणार्थियों को सम्मानजनक जो बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी के द्वारा कि जो छह अल्पसंख्यकों को छोड़ाकर जैसे कि मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा ये स्पष्ट कर दी गई है कि किसी को भी हानि नहीं पहुंचेगा, जो हमारे देश में है वो हमारे देश में ले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी नागरिकता अपना देना है तो या फिर आवेदन करना है तो वो ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश भर में लागू हो गया है सीए आ गया है, क्या 400 सीटों पर आएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव 2024 आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पास है, ऐसे में ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है लेकिन सीए लागू कर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया। सीए लागू बंगाल के बनगांव में, मतलब बंगाल में नहीं होगा, ऐसा ममता बनर्जी का टीएमसी के कई नेता कह रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सीए की अधिसूचना जारी कर दी गई है और नॉर्थ ईस्ट शाहीनबाग पूरे देश के एसपी हो चाहे एसएसपी हो डीएसपी हो उनसे बात की गई है, उन्हें अपने क्षेत्र में एक्टिव रहने के लिए कहा गया है कि किसी भी तरह का भगदड़ ना मचे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज 24 पर। मेरे सहयोगी प्रिंस के साथ मैं सतनजी पटना।